लास्ट टेंथ के चैप्टर टू का जो एग्जांपल फोर है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, जबकि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो उसके जीरोज होंगे उनका सम जो है वो -3 है और उन जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 2 है। तो तब इस कंडीशन के बेस पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें फाइंड करना है। तो देखिए, जब भी हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो तो हम क्या कर लेते हैं, जो सम ऑफ जीरोस होता है उसको हम अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं, जो कि कितना है -3 दे रखा है। दूसरा, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है उसको हम अल्फा बीटा लिख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा जो कितना दे रखा है, कितना 2 यहाँ पर लिख लिया हमने। उसके बाद हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू में 0। हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ करके क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को आप ऐसे रखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है -3, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह -3 इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा कितना है हमारे पास 2 और इज इक्वल टू में 0। अब एक्स स्क्वायर को आप ऐसे रखें, ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा +3x और प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू में 0। अब देखिए, जब इधर इक्वल टू में 0 बचे तो जो भी यहाँ पर बचा है वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। हम यहाँ पर अभी आंसर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल टू में यहाँ पर 0 आ रहा है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। पॉलिनोमियल के लिए हमें यहाँ पर इक्वल टू 0 को हटाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू में अगर इधर 0 है तो जो भी इधर बचा है वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। इक्वल टू में 0 इसलिए लेकर के चलते हैं क्योंकि कभी कभी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती है, और फ्रैक्शन में अगर आ जाती है तो उसके बेस पे, 0 के बेस पे हम उसको यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, वो जब फ्रैक्शन का क्वेश्चन होगा तो आप उसमें देख पाएंगे।